नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश यादव आप सभी को तहे दिल से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज आप सबों को बताऊंगा कि ये मिट्टी का बर्तन कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सबों को आपसे मिलाते हैं कि देखिए, सबसे पहले हम आपको पक्का बर्तन दिखाएंगे जो गाड़ी पे लोड हो गया है कहीं जाने के लिए और बिकने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये टोटल पका हुआ बर्तन है जो कच्ची मिट्टी से बनकर तैयार किया गया है। तो हम चलो आज जानते हैं पूरी इस वीडियो के माध्यम से हम कि ये बर्तन को तैयार कैसे किया जाता है। हम सबसे पहले आपको दिखा चुके हैं कि कच्ची मिट्टी से बर्तन कैसे बनाया गया था। वो जो हमने दिखाया वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी से बर्तन बनाया गया था, और जो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं ये है पका हुआ एकदम प्रॉपर पूर्ण रूपेण से तैयार बर्तन बिकने के लिए जो जा रही है। ये वाला आप जो देख रहे हैं ये वही बर्तन। चलिए हम दिखाते हैं आप सबों को कि कच्ची मिट्टी से कैसे बर्तन बनाया जाता है। यहाँ दोस्तों, तो हमारे वीडियो का अंत तक बने रहे। देखिए हमारे अंकल जो हैं, ये देखिए किस तरह से चक्का को घुमा रहे हैं और चक्का को घुमाते हुए कैसे मतलब बर्तन को तैयार कर रहे हैं। तो हमारे वीडियो को एकदम बने रहे, आपको हम इनसे भी बात तो हम आप सबों को इनसे ही बात करवाएंगे कि कैसे ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए बर्तन तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले मैं पहले वीडियो को अंत तक देखते रहिए कि बर्तन तैयार कैसे होता है, इस बर्तन को तैयार किया जा रहा है और कैसे इसको उतारा जाता है, किसका इसका कोर बनाया जाता है, कैसे इसको घुमाया जाता है। तो सब आप पहले देख लीजिए, फिर इनसे हम आपको बात करवाएंगे, बर्तन भी बनाएंगे और वीडियो को देख लीजिए कि बर्तन तैयार कैसे होता है। तो लगभग यह बर्तन जो है आखिरी रूप दिया जा रहा है और अब कट के यह बर्तन उतरेगा। तो देखते रहिए, देखिए यार बर्तन बन के तैयार और कट के उतरने को तैयार। ये बर्तन देखिए कट के उतर और चलिए हम इनसे बात करवाते हैं। और देखिए अब इस चक्का को जब घुरा रहे हैं तो देखिए कैसे कैसे घुराएंगे। चलिए तो हम माँ इनसे बात कराते हैं। बर्तन को मिट्टी को कितना देर तक और कितना पानी से बनाया जाता है? चाचा जी हम आपसे पूछ रहे हैं। हल्का पानी देते हैं, कोई ज्यादा पानी नहीं, पानी दीजिएगा फिर उतर भी नहीं करेगा ज्यादा। अच्छा, ये सूख के तैयार कितना दिन में हो जाएगा? दो चार दिन में सूख के तैयार। उसका पकने में कितना देर लगेगा? दो चार दिन में सूख जाएगा, उसके बाद इसको पका देंगे एक भट्टा। इसको पकाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन सी लकड़ी यूज करते हैं? लकड़ी है, कोयला भी यूज करते हैं, लकड़ी भी यूज करते हैं। जैसे आप जाने की है, जो कच्ची मिट्टी से बनाए हुए बर्तन है ये 3 से 4 दिन में सूख जाएगा, उसके बाद इसको भट्टी में डाला जाएगा और भट्टी में ईंधन के रूप में उसको यूज करते हैं कोयला और लकड़ी। और कोयला और लकड़ी से बन के ये बिल्कुल पका के पूर्ण रूपन तैयार करेंगे, उसके बाद ये इस बर्तन को ले जाएंगे मार्केट ताकि इसको बढ़िया तरीके बढ़िया रेट मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, लव यू ऑल। और इस टाइप का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करेंगे। और यह वीडियो कैसा लगा? क्या है सर जी आपका? मेरा चैनल का नाम रमेश यादव है और हमारे बहुत ही प्यारा प्यारा गाना आते रहता है, वो रॉक म्यूजिक एंटरटेनमेंट, रॉक म्यूजिक एंटरटेनमेंट के माध्यम में आप उस चैनल पर भी अगर जाते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सुंदर सुंदर गाना जिसको हम अपने हाथों से शूट करते हैं, अपने कैमरा से शूट करते हैं। तो हमारी वीडियो को और भी इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, लव यू ऑल।